हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रोहतक से केदारनाथ जाते हुए हमें मिली रास्ते में बहुत ही प्यारी सी नदी, जिसको देखने के लिए हमसे रुके बिना नहीं रहा गया। अब आप भी देखो ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल शांत बह रही है और बहुत ज्यादा पानी है इसमें। ये पानी भी बहुत साफ था और बहुत ही ठंडा था। देखो तुम्हें डैम दिखाता हूँ, ये बना हुआ है डैम और उसके पीछे ये बनी हुई है झील। कितनी मस्त झील है, पानी पानी भरा हुआ है पहाड़ों के बीच में। और देखो ये एक दीवार बनी हुई है, ये मेरा पैर है और इससे जस्ट आगे पानी पानी है। इस दीवार के नीचे पानी पानी है, बिल्कुल टच हो रहा है, ये पूरा पानी भरा हुआ है मस्त। और ऊपर से पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये पानी भरा हुआ है। पहाड़ों की पूरी रेंज है, देखो कितना मस्त नज़ारा है। ये इधर से हम आए इस सड़क से और यहाँ देखो नदी बह रही है, वो देखो पहाड़ों के बीच से। टू टाइम्स करके दिखाता हूँ, फाइव टाइम्स करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नीली नदी बह रही है, मस्त नज़ारा। और इधर झरना दिखाता हूँ, देखो ये तो सड़क आ रही है जिधर से जिधर हमें जाना है और यहाँ ये झरना बह रहा है, पानी का झरना है मस्त। ये देखो वाओ, ऐसी मस्त ठंडी हवा चल रही है, मजेदार, मजा आ गया यहाँ पे आके इधर। हाँ हीरा, क्या हुआ? पहाड़ पर जाना है, देर कर दी तेरे पापा ने। ये देखो भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है जबरदस्त वाली, और कुछ जगह तो अब भी पत्थर गिर रहे हैं, थोड़े 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 मिट्टी सी पत्थर से गिर रहे हैं, जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रखी है। और रास्ता हम आ चुके हैं, 5 किलोमीटर आ चुके हैं। ये घोड़े खच्चर वाले हैं यहाँ, तो ये इधर हेलीकॉप्टर भी जा रहा है ऊपर, वो जा रहा, हेलीकॉप्टर से भी सेवा है यहाँ, हमारा तो हो नहीं पाया टाइम पे। ये एक और झरना आया रास्ते में जिसमें लैंडस्लाइड हो चुकी थी, जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बह गया था, तो नया रास्ता बनाया जा रहा था। जहां से सीमा जा रही है वहां से आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो नया रास्ता बनाया गया है जिससे लोग पार करके आ रहे हैं। झरना भी बह रहा है और झरना इस जाके नदी में मिल रहा है, ये ऊपर से झरना आ रहा है, बीच से रास्ता बना हुआ है। पहले यहाँ रास्ता जो था वो बह गया था लैंडस्लाइड में, अब ये नया रास्ता बनाया गया है, कर्मचारी अब भी काम में लगे हुए हैं और झरने का पानी इस रास्ते के नीचे से होके ही जा रहा है और इधर बह रहा है झरना, ऊपर से आ रहा है। तो दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयां उठाने के बाद हम आखिर पहुंच ही गए। जय केदार, जय केदार। ये केदारनाथ धाम के पीछे का हिस्सा है, ये जो शिला दिखाई दे रही है आपको ये भीम शिला है और ये उसके पीछे पहाड़ हैं जिनपे ग्लेशियर हैं, और इन्हीं पहाड़ों से नदी बह के आई थी, जो बाढ़ आई थी उस कारण नुकसान हुआ था। ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ चलती रहती है, हर 2-4 मिनट में हेलीकॉप्टर आते रहते हैं क्योंकि बहुत सारी हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं यहाँ पे। और ये चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये हम केदारनाथ धाम के पीछे की तरफ आ चुके हैं, मंदिर के पीछे खड़े हैं हम। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और पीछे एक नदी भी बह रही है, अलकनंदा नदी, तो कई धाराएं आके उसमें मिलती हैं, ग्लेशियर का पानी पिंगल पिंगल के उस नदी में आके मिलता जाता है और यहाँ से वो नदी के रूप में आगे बढ़ता है। पहाड़ हैं बहुत ही सुंदर जिनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और सूरज की पहली किरण उन पहाड़ों पर गिरती है तो सुनहरे कलर में वो चमकते हैं, बहुत ही मज़ेदार नज़ारा। ये मंदिर के सामने का व्यू है, हमने थोड़ी दूर से लिया तो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये रहा श्री केदारनाथ धाम। जय हो श्री केदार।